बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त का जन्मदिन 6 जून को होता है। पाकिस्तान में जन्मे अभिनेता सुनील दत्त की गिनती उन सितारों में होती है जिन्होंने जहां कदम रखा सफलता के नए आयामों को छुआ, फिर चाहे वो फिल्में हों या फिर राजनीति, हर जगह सुनील दत्त को भरपूर प्यार मिला। सुनील दत्त का शुरुआती जीवन संकटों से भरा हुआ था। सुनील दत्त जब 5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सुनील 18 साल की उम्र में भारत पाकिस्तान में छिड़े दंगों के भी शिकार हुए थे। उस वक्त सुनील दत्त को उनके दोस्त याकूब ने परिवार समेत अपने घर में पनाह देकर बचाया था। वहां से सुनील दत्त का परिवार पंजाब के मंडोली गाँव में आकर बसा। लखनऊ आकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की, फिर मुंबई जाकर सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और बतौर क्लर्क मुंबई की बिजली और परिवहन कंपनी बेस्ट में काम करने लगे। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। जब वो फिल्मों में आए तो उस वक्त बलराज साहनी मशहूर सितारे थे, इसी के चलते उन्होंने अपना नाम बदल कर सुनील दत्त कर लिया। सुनील दत्त अभिनेता बनने की इच्छा से ही बंबई आए थे, लेकिन उन्हें नौकरी मिली सिलोन रेडियो में। उनके आवाज के दीवाने रेडियो के दिनों से ही थे, लेकिन जिस शख्सियत के सुनील दत्त दीवाने थे वो थी नरगिस। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सुनील दत्त का सामना नरगिस से हुआ तो उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। जी हाँ, रेडियो सिलोन को इंटरव्यू देने के लिए नरगिस ने टाइम दिया तो ये काम सुनील दत्त को ही सौंपा गया। पर इंटरव्यू शुरू तो हुआ लेकिन खूबसूरत अभिनेत्री को देख वो कुछ बोल नहीं सके। नरगिस की सलाह पर ये इंटरव्यू उस दिन कैंसिल कर दिया गया। बतौर रेडियो अनाउंसर सुनील दत्त ने खूब नाम कमाया, पर वो एक्टिंग में ज्यादा रुचि रखते थे। 1955 में बनी रेलवे प्लेटफॉर्म उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन असली नाम और शोहरत उन्हें फिल्म मदर इंडिया ने ही दी। साल 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया ने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म में वो नरगिस के बिगड़ायल बेटे बने थे जिसे माँ ने अपने हाथों से ही गोली मार दी थी। मदर इंडिया के सेट पर ही सुनील दत्त और नरगिस की लव स्टोरी भी परवान चढ़ी थी। शूटिंग के दौरान एक सेट पर आग लग गई और नरगिस उसमें फंस गई। सुनील दत्त एक हीरो की तरह आग में कूदे और नरगिस की जान बचाई। आग वाले हादसे के बाद नरगिस का नजरिया सुनील दत्त को लेकर पूरी तरह से बदल गया। सुनील दत्त को मदर इंडिया ने स्टार बनाया और डाकू पर बनी फिल्मों ने सुपरस्टार। वो हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिसने 20 फिल्मों में डाकू के रोल किए। फिल्म मुझे जीने दो के लिए उन्हें 1964 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा फिल्म खानदान के लिए भी सुनील दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सुनील दत्त ने 1984 में राजनीति की ओर रुख कर लिया। कांग्रेस के टिकट पर वो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने और यहां से लगातार 5 बार चुने जाते रहे। वो भारत के युवा और खेल मामलों के मंत्री भी रहे। इस पद पर रहने के दौरान ही साल 2005 में उनका निधन हुआ। अमर उजाला.com